मध्य प्रदेश का किसान पूर्ण रूप से हमारे साथ में है और तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। यह बात क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव ने पत्रकार वार्ता में कही। क्षेत्रीय सांसद भार्गव आज अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में आए हुए थे, जिसके पूर्व पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में भ्रम फैला रही है। इन कानूनों के कारण बिचौलियों का काम बंद हो जाएगा और किसानों के लिए खेती लाभ का धंधा बन जाएगी। सांसद ने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने गंज बासुदा को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया था, कार्य स्वीकृत कराए, फंड भी दिया, टेंडर भी हुआ, ठेका भी हुआ, लेकिन बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार के समय स्मार्ट सिटी का कार्य बंद रहा, लेकिन फिर सरकार बदली और कार्य पुनः शुरू कर कुछ जगह समस्या आ रही है, उन पर भी बातचीत हो रही है। पत्रकार वार्ता के उपरांत सांसद ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के उपरांत भोपाल रवाना हुए। गंज बासुदा से मुख्य चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इस तरह के भ्रम फैलाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश का किसान इन कानूनों के साथ है और ये कानून किसानों के हित में है। अब कांग्रेस तो केवल उसे कुछ ना कुछ करना है तो उसने सोचा कि इसका ही विरोध करना शुरू कर दें। मित्रों, अगर हम गंज बासुदा की बात करें तो बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, 15 महीने सरकार रही, कोई विकास के काम तो हुए नहीं। स्मार्ट सिटी की बात भी अगर मैं कहूँ तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने यहाँ स्मार्ट सिटी घोषणा की थी और उसका भी ठेका भी हो गया था। लंबे समय तक वो काम भी बंद रहा। बीच में एक बैठक भोपाल स्तर पर हुई है और उसके बाद कुछ काम में गति आई है, कुछ विषय उसमें आए हैं। आज भी मैंने इस संदर्भ में उच्च स्तर के अधिकारियों से बात की है और जल्दी ही बासुदा एक सुंदर और साफ स्वच्छ से शहर बनेगा। मित्रों, आज कोविड काल में बीच में मेरा एक बार आना हुआ था, आप लोगों से भी भेंट हुई थी अनौपचारिक, और जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि अब कोविड काल समाप्त भले ही नहीं हुआ परंतु समाप्ति की ओर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।